हेलो दोस्तों, वॉइस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं माइंडट्री के रिजल्ट्स से रिलेटेड। उसके रिजल्ट्स देखेंगे और आगे हमें क्या करना है उससे पता चलेगा कि हमें आगे करना क्या है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास लाते रहे। एज वेल एज नीचे अभी मैंने एक वीडियो बनाई है, यहाँ पर वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे मेरे चैनल पर, हमारे चैनल पर, तो आपको यहाँ पर एक वीडियो मिलेगी रूट मोबाइल। तो रूट मोबाइल का डेटा क्या कहते हैं हैक हुआ है, इससे रिलेटेड 2-3 दिन पहले ही आ गया था और शेयर गिर रहा है। तो हमें क्या निकल जाना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटी है या बेच देना चाहिए, उससे रिलेटेड वो वीडियो है, इसे देख लीजिएगा। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे। यहां पर अगर ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है, यहां पर क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराए, कोई चार्जेस नहीं है। यहां पर एक और लिंक है, यहां पर क्लिक करें, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको आप इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा और आप अपनी इच्छा अनुसार दान दे सकते हैं। तो आइए सीधे रिजल्ट्स की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कंपनी ने 175% का यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया है, फाइनल डिविडेंड। तो बात करें 17.5, मतलब 10 रुपये का फेस वैल्यू है, तो 17.5 रुपये का यहाँ पर आपको डिविडेंड मिलता हुआ नजर आएगा। और फाइनल डिविडेंड थोड़ा लेट मिलता है, ओके, 1-2 महीने लग सकते हैं, तो इसलिए जब भी डेट आएगी आई विल डेफिनेटली लेट यू नो अबाउट इट। अगर बात करें यहाँ पर रिजल्ट की, तो यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने है। तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा साफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लास्ट क्वार्टर, मतलब बात करें तो ये लास्ट Q4 के रिजल्ट है 2020 के, और यहाँ पर बात करें 2021 का Q4 का रिजल्ट यहाँ पर है, और लास्ट क्वार्टर की बात करें तो ये रिजल्ट यहाँ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 31 मार्च 2021, यहाँ पर देख सकते हैं 31 दिसंबर 2020, और यहाँ देख सकते हैं 31 मार्च 2020। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसी हिसाब से हम रेवेन्यू देखते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख लीजिए बिलियन रुपीज़ में यहाँ पर डेटा है, ओके। हम मैं इसे नहीं बोलूँगा, सीधे 20,000 की बातें करेंगे। और अगर बात करें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यही सबसे मेन होता है। इसका मतलब है कि कंपनी किस सेगमेंट में काम कर रही है और उस सेगमेंट में कंपनी कितना कमाई कर रही है, उसे कहते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहां पर अगर देखें Q4 की 2020 की, तो 2020 में Q4 में 20,505 मिलियन रुपीज का यहां पर रिवेन्यू था। इसके अलावा लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 20,237, और अगर बात करें लास्ट इस वाले क्वार्टर की, तो 91 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर रेवेन्यू होता हुआ नजर आया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी जंप है। और अगर वाई ऑन वाई अगर बात करें क्वार्टरली बेसिस पे, ओके, क्यू बेस पे अगर बात करें, तो भी हमें अच्छी खासी यहाँ पर जंप दिखाई देती है साफ। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, अगर इसी तरीके से रेवेन्यू होता है तो ऐसी कंपनी में हमें रहना चाहिए। बट इसके अलावा एक चीज़ और होती है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस देखना भी बड़ी ज़रूरी है। बट यहाँ पर अदर इनकम इतनी मायने नहीं रखती, अदर इनकम भी आपका देखेंगे तो यहाँ पर 20,688 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर आपको लास्ट अगर बात करें Q4 2020 में यहाँ पर टोटल इनकम थी। अगर बात करें Q3 की, ओके, लास्ट क्वार्टर की, तो 20,853, और अगर बात करें इस बार के क्वार्टर की, तो 21,482 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर टोटल इनकम है। अगर बात करें टोटल एक्सपेंस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंस दिख रहा है, टोटल एक्सपेंस 18,075 लास्ट Q4 में था। अगर बात करें Q3 जो अभी लास्ट क्वार्टर की बात थी, तो 16,402 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर टोटल एक्सपेंस था, टोटल एक्सपेंस मीन्स टोटल खर्चा। अगर बात करें इस बार की, तो 17,294 मिलियन इन रुपीज़ पर यहाँ पर टोटल एक्सपेंस होता हुआ हमें नज़र आया है। अगर बात करें ईयरली बेस पे, तो ईयरली बेस में यहाँ पर काफ़ी कम खर्चा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। खर्चे को पे नियंत्रण रखना काफ़ी अच्छी बात होती है। और बात करें क्वार्टरली बेस पे, तो क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर जंप नज़र आई है। तो अगर हम नेट प्रॉफिट की अगर बात कर लेते हैं, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट, यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो लास्ट Q4 की बात करें 2020 की, तो 2,062 मिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट था। इसके अलावा अगर बात करें लास्ट क्वार्टर की, 3,265, और अगर अब के क्वार्टर की बात करें 3,173 करोड़ रुपए का यहाँ पर 3,173 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ हमें साफ नज़र आ रहा है, जो कि ईयरली बेसिस पे तो काफ़ी अच्छा है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। क्यों गिरावट नज़र आ रही है, अगर हम यहाँ पर कुछ डेटा देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम बात करें यहाँ पर था, यहाँ पर टैक्स ज़्यादा भरा था, यहाँ पर टैक्स कम है, तो यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर अगर देखें तो एडजस्टमेंट ही हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ पर खर्चा भी ज़्यादा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं खर्चे की वजह से यहाँ पर रिवेन्यू में भी इफेक्ट आया है,
तो यही सारी इसमें एक्सपेंसेस वगैरह तो मैं ही यहाँ पर नज़र आया। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आपको साथ साथ नज़र आ रहा है कि ईयरली थोड़ा सा ही कम है, ज़्यादा कम नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, बट क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है, लगभग इक्वली है। बात कर लेते हैं ईपीएस की, तो ईपीएस यहाँ पर देख सकते हैं, ईपीएस से हमें पता चल जाता है कि सिंपली कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया है क्या नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देखिए लास्ट Q4 की बात करें तो 12 रुपये 53 पैसे का यहाँ पर ईपीएस था। इसके अलावा यहाँ पर बात करें लास्ट क्वार्टर की तो 19 रुपये 82 पैसे का यहाँ पर ईपीएस था, और बात करें इस बार का तो 19 रुपये 26 पैसे का यहाँ पर ईपीएस हमें नज़र आ रहा है। तो ऐसा कुछ कंपनी ने कोई बेकार रिजल्ट पेश नहीं किया है, कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट पेश करे हैं। तो इस कंपनी में आप लंबे टाइम के लिए बने रह सकते हो। और माइंडट्री ऑलरेडी आपको बताया कि अशोक सूता साहब ने इसे को फाउंडर थे इस कंपनी के, तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। सेगमेंट वाइज की भी अगर रेवेन्यू की बात करें तो रिटेल और या CPG एंड मैन्युफैक्चरिंग से लगभग 4,719 यहाँ पर मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर इन्होंने रेवेन्यू किया है। अगर बात करें बैंकिंग फाइनेंशियल से 3,875, कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी से लगभग 10,412 और ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी से लगभग 2,087 मिलियन रुपीज़, लगभग टोटल 21,093। इस तरीके से ये सेगमेंट वाइज यहाँ पर इन्होंने दे रखा है सब कुछ कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर रेवेन्यू यहाँ पर अर्न किया है। तो यहाँ पर सब चीज़ आपको दिख जाएगी, यहाँ पर एक्सपेंडिचर दिख जाएंगे, यहाँ पर टोटल बिफोर टैक्स जो है प्रॉफिट वो दिख जाएगा, तो इसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए एक बार कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी ने यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 बार यहाँ पर बोनस भी दिया है, 1:1+1:1 2014-2016 में। 2016 के बाद कंपनी ने अभी तक कोई रेवेन्यू नहीं दिया है। अगर यहाँ पर चार्ट पैटर्न हम देखते हैं तो आज थोड़ी बहुत ऊपर गया था, फिर उसके बाद यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई थी। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं, कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन है। ओके, यहाँ पर डेटा नहीं आ रहा है, सॉरी यहाँ पर नेट चला गया है इस वजह से यहाँ पर नहीं आ रहा है, बट नो नॉट एन इशू। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर और भी चीज़ें देखते हैं तो यहाँ पर देखिए लगभग 2 लाख शेयर यहाँ पर उठाए गए हैं। 52 वीक लो की बात करें, 721 रुपये का ये शेयर चलता था 22 अप्रैल को, और अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 12 अप्रैल को ही 2,275 रुपये का ये शेयर गया हुआ था। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट तो पेश किया है। कंपनी जो ये शेयर है इसकी वैल्यू भी अच्छा खासी बढ़ती हुई हमें नज़र आई है। अगर बात करें यहाँ पर देखिए लार्ज कैप कंपनी है, लगभग 34,000 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू है। अगर डेट की बात करें कंपनी का, ना के बराबर डेट है, कोई प्लेजिंग नहीं है। ROCE काफ़ी बेहतरीन है, 27 की ROCE पे कंपनी काम कर रही है। ओके, यहाँ पर आप देख ही चुके हैं इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे ईयरली बेसिस पे, और यहाँ पर देखेंगे ईयरली बेसिस पे काफ़ी कंसिस्टेंसी यहाँ पर दिखाई है प्रॉफिट में, एज वेल एज बात करें यहाँ पर ईयरली बेसिस पे भी यहाँ पर देखते हैं 52 करोड़ रुपये का यहाँ प्रॉफिट लगभग 1,000 करोड़ के प्रॉफिट में तब्दील हो चुका है। रिजर्व्स की बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,805 करोड़ रुपये के रिजर्व्स है, और 550 करोड़ रुपये की यहाँ पर ना के बराबर बोरोइंग है, कंपनी कभी भी पे कर सकती है। यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 61% है, दिसंबर के हिसाब से बता रहा हूँ। FIIs यहाँ देख सकते हैं लगभग अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ा रहा है, 13% की हिस्सेदारी है। DIIs ने थोड़ी सी कम करी है 10% की, बाकी पब्लिक 15% की हिस्सेदारी है। तो ये सारी माइंडट्री से रिलेटेड है। माइंडट्री को लॉन्ग टर्म के लिए आप लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं। बाकी रिजल्ट के बाद मोस्टली देखा गया है कि यहाँ पर गिरावट होती हुई नज़र आती है, तो शायद ये शेयर थोड़ा बहुत और गिर सकता है कुछ टाइम के लिए, और कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि पैसा ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो यही सारा गणित है, यही सारी की सारी बातें हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और ये शेयर और डिप्स में मिलता है तो ऑब्वियसली इसे एक्युमुलेट करने की कोशिश करिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे रख सकते हैं, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर हेल्प लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।